हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। अभिमन्यु निकल नहीं जब पाया, सात दुष्टों ने एक बालक को एक एक करके मारा। कर्ण ने माँ को वचन दिया, पुत्र रहेंगे जीवित पांच। जीवन देकर वचन निभाया, वचन पे आने दी ना आज। गांडीवधारी अर्जुन के सारथी कृष्ण भगवान, सत्य धर्म का देते गीता ज्ञान। तेरा कर्म ही विजय दिलाएगा, तू सोच नहीं परिणाम। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। शल्य, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और अंगराज कर्ण के बाद आज आप कौरवों के सेनापति बन गए हैं। इन तीनों की तरह आप भी एक महान योद्धा हैं और हमारा विश्वास है कि आप पांडवों के सामने हमारा सिर झुकने नहीं देंगे। युवराज, आपकी अपेक्षा मैं अवश्य पूरी करूंगा। सेनापति मदराज शैल्य की जय। सेनापति मदराज शैल्य की जय। सेनापति मदराज शैल्य की जय।
मामा श्री शल्य के सेनापति बन जाने से आपको विचलित नहीं होना चाहिए। आप तो धर्मराज हैं, धर्म का गहन अर्थ आप भलीभांति जानते हैं, और इस समय धर्म आपसे मांग कर रहा है कि शत्रु पक्ष के सेनापति का वध कर दो। कौरवों को उनकी ओर बढ़ती हुई पराजय की आहट सुनाई देने लगी है, इसीलिए उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति को युद्ध में झोंक दिया। ओहो मामा श्री, दुर्योधन के परम प्रिय मामा श्री, बहुत जल्दी में दिखाई दे रहे हैं आप। कहीं जुआ खेलने तो नहीं जा रहे हैं? बाण ज़बान चलाने लगे हो? आपके दुर्भाग्य से बाण चलाना भी जानता हो गांधा नरेश। ओ, तो तुम मुझसे युद्ध करोगे? हाँ, यदि आप केवल पासे फेंकना ही नहीं बाण चलाना भी जानते हो तो मुझसे युद्ध अवश्य कीजिए गांधार नरेश। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं, सावधान। देखा सब बोले। से फेंकना ही नहीं बल्कि तुम्हारे दुर्भाग्य से तीर चलाना भी जानता हूं। अब संभाल। गांधार नरेश, सभा नहीं है गांधार नरेश, रणभूमि है रणभूमि। करो
छोटे भाई तो पुत्र समान होते हैं। कौन से हाथ से आपने पासे फेंके थे मामा श्री? कौन से हाथ से? दुर्योधन की पीठ थपथपाया करते थे, बाएं हाथ से ना? नहीं, नहीं। आपकी विषैली जिह्वा के कारण ही हस्तिनापुर का वातावरण दूषित हो गया था गांधार नरेश। ने एक भाई के मन में दूसरे भाई के विरुद्ध विष भर दिया था। आप ही के कारण ये महासंग्राम हुआ है, आप ही के कारण ये महायुद्ध हुआ है। फिर भी आप सोचते हैं कि आपको जीने का अधिकार है? नहीं मामा श्री, नहीं। आपको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मृत्यु का स्वाद तो सबको चखना ही पड़ता है। महाराज, मेरे इतने सारे पुत्रों की मृत्यु के बाद मन ने धीरज करना सीख लिया है। महाराज, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, परंतु उसकी चतुराई और कुटिलता के कारण उस पर क्रोध भी बहुत आता था, परंतु आज उस पर क्रोध नहीं, दया आ रही है। ईश्वर गांधार नरेश शकुनी की आत्मा को शांति दे। मेरे अपने एक एक करके मुझको छोड़कर चले जा रहे हैं। मामा श्री के मृत्यु के बाद मुझे ऐसा लग रहा है अश्वत्थामा कि मेरी आत्मा ही मुझको छोड़कर चली जा रही है। उन्होंने हर भले बुरे में मेरा साथ दिया था। अश्वत्थामा, ये मेरा जीवन कर्ण और बाबा श्री के ही तो देन था। इस दोनों के ही बल पर मैं भरत खंड का सम्राट बन पाया था, और बाबा श्री ने ही पांडवों को जुए में हरा कर मुझे सम्राट बनाया था। धिक्कार है मेरे शौर्य पर, धिक्कार है मेरे बाहुबल पर, और धिक्कार है मेरी गदा विद्या पर। धिक्कार आक्रमण आक्रमण
आज के दिन के युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। न जाने आज वो ऊपर बैठा इतिहासकार किसके रक्त से इतिहास लिखने वाला है। प्रणाम मामा श्री। विजय भव। मामा श्री, ये कैसी विडंबना है जो आज भाग्य ने मामा और भांजे को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर आमने सामने ला खड़ा किया है, और आज मुझे अपने ही मामा श्री को युद्ध के लिए ललकारना पड़ रहा है। तुम धर्मराज हो युधिष्ठिर, और अपने धर्म का पालन कर रहे हो, और मैं अपने वचन का पालन कर रहा हूं। यदि तुम्हें दुर्योधन पर विजय प्राप्त करनी है तो पहले मुझ पर विजय प्राप्त करनी होगी, और जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम दुर्योधन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए हे युधिष्ठिर, यदि तुम जीतना चाहते हो तो पहले अपने मामा को अपना शत्रु समझकर उसका वध करो। सावधान। युद्ध करो युधिष्ठिर, युद्ध करो। मामा श्री, आप मुझे विवश कर रहे हैं। सावधान मामा श्री। सारथी, वो पापी दुशासन जहां कहीं भी हो, रथ उसके सामने ले चलो। जो आज्ञा। कहां है वो अंधे का पुत्र जो निर्बल सेनाओं पर अपने बल का प्रयोग कर रहा है? कहां है वो? रुको सारथी।
जाट नरेश के रसोइये। अरे तुम्हें तो आज मैं सुबह से ही ढूंढ रहा था। कहाँ छुपे थे अब तक? द्रौपदी के खुले बालों में। दुशासन, द्रौपदी के खुले बालों को किसी पेड़ की छाया समझने की भूल न कर। वो तो प्रतिशोध की अग्नि का हवन कुंड है, जो तेरे रक्त के छिड़काव से ही बुझेगा। 14 वर्षों से मेरी प्रतिज्ञा और द्रौपदी के खुले बालों को तेरी और तेरी मृत्यु की प्रतीक्षा है, और आज मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। परंतु याद रखो भीमसेन, जिस हाथ से मैंने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था, आज उसी हाथ से तुम्हारे वध का शुभ कार्य भी करूंगा। सावधान, दुशासन, सावधान। Thank you.
दुशासन दुशासन जिन हाथों से तुमने द्रौपदी के बालों को छुआ है उन हाथों को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा और तुम्हारे रक्त से मैं द्रौपदी के बाल धोऊंगा। शुभ हाथ है ना जिसने पांचाली द्रौपदी के बालों को पकड़ने का दुस्साहस किया था। दुशासन यही वो हाथ है ना जिसने पांचाली द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का पाप करवाया था। अब मैं तुम्हारे इस हाथ को तुम्हारे शरीर से उखाड़ कर फेंक दूंगा जैसे किसी विशाले पेड़ को धरती से उखाड़ कर फेंक देते हैं। हे दसों दिशाओं नक्षत्रों गंधर्वों देवताओं आज मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। इस पापी का अस्तित्व मिटाने जा रहा हूं।
में मत विजय गर्व में योद्धा उत्भ्रांत सा अट्टहास कर रहा। मृतकों के मध्य कर स्वयं को वीर श्रेष्ठ सिद्ध बिना पंख उड़ रहा गगन पे पांव धर रहा। ऐसा विभत्स दृश्य देखा नहीं कभी कहीं काल भी ये मूरत विकराल देख डर रहा। राक्षस को चूर्ण कर अपना प्रण पूर्ण कर वीर वक्ष चीर देखो रक्तांजलि भर रहा। हे वासुदेव, हे भ्राताश्री, मैंने अपनी पहली प्रतिज्ञा पूरी की है। मैंने दुरात्मा दुशासन का वध किया है। मैंने दुरात्मा दुशासन के रक्त से अपने हाथ रंग लिए हैं। अब मैं पापी दुशासन के रक्त से पांचाली द्रौपदी के बालों को नहलाऊंगा, उसके बालों की प्यास बुझाऊंगा, उसके मन में दहकने वाले प्रतिशोध के ज्वालामुखी को ठंडा कर दूंगा। भीम के जैसा एक महामानव दानव के वध को बन दानव आहत देह से रक्त की बूंदे मानवता को छोड़ के लाया। श्रेष्ठ गदाधर भीषण घाती हाड़ के दुशासन की छाती छाती से कुरुवंश की थाती मर्यादा को तोड़ के लाया। पांचाली अत्याधिक हर्षित भीम भी है इस जीत पे गर्वित गहनारी के खोए हुए सम्मान को मानो मोड़ के लाया। काम नहीं था यह साधारण एक नारी के हट के कारण महाभारत के सारे निचोड़ को अपना शौर्य निचोड़ के लाया। अपना शौर्य निचोड़ के लाया। रक्त के रंग से केश रंगा के रक्त से ही अभिषेक करा के रक्त प्रिया काली सी द्रौपदी रक्त से रास रचाने लगी है। भूल गई कुल धर्म हिताहित रक्तिम भेंट से हो प्रोत्साहित रक्त में रहती है अग्नि समाहित अग्नि से अग्नि बुझाने लगी है। आज गवाने लगी है पंच सुहागिन अग्नि कुमारी वर्षों की पीड़ा कुंठा सारी दीर्घ प्रतीक्षित रक्त कणों से चार क्षणों में मिटाने लगी।
से रास रचाने लगी है। दुशासन, जी करता है कि भीम का गला अपने हाथों से ऐसे दबा दूं कि चीख तक ना निकल सके। संभालिए महाराज, संभालिए, मेरे 99 पुत्र मृत्यु को गले लगा चुके हैं, बचा है तो केवल एक दुर्योधन। मित्र अश्वत्थामा, अब अपना सब कुछ गवाने के बाद मैं ना ये युद्ध जीतना चाहता हूं और ना इस युद्ध के बाद जीना चाहता हूं, परंतु मरने से पहले उन पांचों पांडवों का सर्वनाश करना चाहता हूं। मेरी सदा ही एक ही इच्छा रही है कि मैं भारतवर्ष का सम्राट बन जाऊं, परंतु अब स्वयं भगवान भी मुझे सम्राट बनने का अवसर प्रदान करें तो मैं उसे ठुकरा दूंगा और उसके बदले पांचों पांडवों के सर्वनाश करने की शक्ति मांग लूंगा। मैं पांचों पांडवों के सर्वनाश के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, अपने माथे पर भगोड़ा होने का कलंक लगाने और कहीं भी चले जाने को तैयार हूं अश्वत्थामा, कहीं भी चले जाने को तैयार हूं। युवराज, आपने ये निर्णय भावुक होकर लिया है, इसलिए एक बार और सोच लीजिए। अधिक भावुक तो मैं तब हुआ था कृपाचार्य, जब मैंने आपकी सलाह पर आप पर क्रोध प्रकट किया। आपने सही ही सुझाव दिया था, अब मैं आपके सुझावों को आदेश समझकर उसका पालन करूंगा। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए कृपाचार्य। परंतु आप जाएंगे कहां? कुरुक्षेत्र के उत्तर की ओर में जो सरोवर है वहां। परंतु युवराज, आप सरोवर में कैसे छिपेंगे? मुझे जल को स्तंभित करने की विद्या आती है, मैं जल के अंदर छुपकर जल को अचल कर दूंगा। यदि पांडव मुझे ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच भी गए तब भी उनको ज्ञात नहीं होगा कि जल के अंदर कोई मनुष्य छुपा है। Thank you.
राष्ट्र धर्मी पर असमय प्राण जिन्होंने गवाए। उन मृतकों की प्रेतात्माओं के करुण विलाप से ये बड़ी बड़ी बातें करता था वो अंध पुत्र, अपने प्राणों के भय से रणभूमि छोड़कर भाग गया। कायर का पुत्र कायर ही निकला। अब दुर्योधन के भाग जाने के बाद ये युद्ध समाप्त ही हो गया समझो। नहीं पार्थ, दुर्योधन के भाग जाने से ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ। संपूर्ण जीत तब होती है जब शत्रु की संपूर्ण हार हो। ये क्या कह रहे हो केशव? ठीक ही कह रहा हूं। शत्रु पक्ष की संपूर्ण हार तभी होती है जब शत्रु पक्ष के राजा का वध किया जाता है, या फिर हारने वाला राजा जीतने वाले राजा की शरण में आ जाता है। अब आप ही बताइए भैया कि पांडवों की संपूर्ण जीत कैसे हुई? इसका अर्थ यह है कि हमें उस दुरात्मा दुर्योधन को ढूंढ निकालना होगा। हाँ भीम भैया, क्योंकि दुर्योधन केवल अकेला नहीं है, उसके साथ अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य जैसे योद्धा भी हैं जो इस युद्ध का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। Thank you.
जिसकी हमें आशंका थी वही हुआ। पांडवों के गुप्तचर दुर्योधन परंतु यदि भीम ने दुर्योधन के छुपने के गुप्त स्थान को देख लिया तो देखो वो जलाशय दिखाई दे रहा है। चलो वहां चलकर थोड़ा विश्राम भी कर लेते हैं और पानी भी पी लेते हैं। चलिए भ्रातोषी। हाँ भ्राताश्री, पानी तो बर्फ की तरह जम गया है। आश्चर्य है, ठंड तो इतनी अधिक नहीं है फिर भी पानी जमकर बर्फ हो गया है। इस बर्फ के नीचे तो ना जाने कितने जल प्राणी मर गए होंगे। इस जमे हुए पानी में कोई जीवित रह भी कैसे सकता है। यहां रुककर हमें अपना समय नहीं गंवाना चाहिए, यहां तो कोई छुप ही नहीं सकता। हां नकुल, तुम ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। चलिए। समझ में नहीं आता वो भगोड़ा कहां छुप गया। चलो सारथी। युवराज दुर्योधन युवराज आइए। युवराज तो
प्रणाम प्रणाम युवराज। भीम और नकुल मुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचे थे, परंतु संयोग से मैं बच गया। और उनके गुप्तचर, वो हम तीनों को भी ढूंढ रहे हैं। अब यहां और ठहरना खतरे से खाली नहीं है। युवराज को मैंने सरोवर के अंदर छुपने की सलाह केवल एक दिन के लिए दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन में पांडव चारों दिशाओं में घोड़े दौड़ाकर ढूंढने की चेष्टा करेंगे। तो फिर हमें समय नष्ट किए बिना इसी क्षण चल पड़ना चाहिए। नहीं कृतवर्मा, नहीं। अभी तो अंधेरा है, परंतु कुछ समय बाद सूर्योदय होने वाला है और पांडवों के गुप्तचर हमारी खोज में हैं। अपनी नजरों के जाल बिछाए हमारी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। कृपाचार्य जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहां रुकना भी तो ठीक नहीं है। यहां पर खतरा ही खतरा है। यह खतरा तो हमें मोल लेना ही होगा। कम से कम कल रात तक आपको यही छिपे रहना होगा युवराज। प्रणाम युवराज। इसी सरोवर के तट पर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा को देखा है, जो युवराज दुर्योधन को पुकार रहे थे। और कुछ ही क्षणों में युवराज दुर्योधन इस सरोवर से बाहर निकल आए थे और कुछ देर तक चारों ने आपस में बातचीत की और फिर युवराज इसी सरोवर में जाकर छुप गए। दुर्योधन की खोज करते करते इसी सरोवर के तट पर आकर रुक गया था, परंतु स्तंभित जल को देखकर मैं अचंभित हो गया था। यदि मुझे उसी समय पता चल जाता कि वो कायर यहीं छुपा बैठा है, तो मैं अपनी गदा से उसी समय उसकी धज्जियां उड़ा देता। बड़े भैया ही इस सरोवर के जल स्तंभन को नष्ट करेंगे। आज मैं अभी इस सरोवर के जल स्तंभन को नष्ट करके महाभारत के मुख्य अपराधी को सबके सामने लेकर आता हूं। नकुल,
भैया दुर्योधन। दुर्योधन महाराज, भाग्य ने एक और असफलता युवराज दुर्योधन के झोले में डाल दी है। पांडव युधिष्ठिर ने युवराज द्वारा किए जल स्तंभन को नष्ट कर दिया है। क्या? सरोवर में छुपे दुर्योधन को देखकर सभी पांडव और उनके सैनिक खुश होकर गर्जना कर रहे हैं। देख लिया कुरुकुल के कलंक को। मैंने तो सुना था कि लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरते हैं, परंतु इस निर्लज को तो इस सरोवर में डूब कर भी मौत नहीं आई। भीम भैया, ऐसे पापी कायर और निर्लज को मृत्यु भी अपनी शरण में लेने से इनकार करती है। हे दुर्योधन, तुमने हमेशा अन्याय और अधर्म किया है, परंतु मैं तेरे साथ कोई अन्याय और अधर्म करना नहीं चाहता, इसलिए सीधी तरह से जल से बाहर निकला और क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमसे युद्ध कर। यदि तुमने हमें परास्त कर दिया तो तुम भारतवर्ष के सम्राट कहलाओगे, अन्यथा वीरगति को प्राप्त होकर स्वर्ग जाओगे। दोनों स्थिति में तुम्हारी कीर्ति है दुर्योधन, इसलिए कायरता को छोड़कर वीरता से इस जल से बाहर आओ और हमसे युद्ध करो। अच्छा ही हुआ दुर्योधन कि तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। यह अच्छा नहीं हुआ तुम सबके लिए, क्योंकि मैं अब भी कृष्ण सहित तुम सब पांडवों का वध करने की क्षमता रखता हूं। युधिष्ठिर, मैं निशस्त्र होकर भी तुम्हारे और तुम्हारे चारों भाइयों का वध करूंगा। मेरे सारे भाई मारे गए, अब तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। ठीक है, तो विलंब क्यों, हम तत्काल युद्ध आरंभ करते हैं। तुम पांचों मुझ अकेले से युद्ध करोगे। हाँ, भला इसमें आपत्ति क्या है? ये सरासर अधर्म है, अधर्म। वाह, परंतु यही अधर्म से तुमने अभिमन्यु का वध किया था। तुम सभी ने मिलके अकेले अभिमन्यु का वध किया था, उस समय अधर्म का विचार नहीं आया था। परंतु दुर्योधन, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि ये पांडव तुमसे अधर्म नहीं करेंगे। बड़े भैया तो साक्षात धर्मराज हैं, वो तुमसे धर्म से ही युद्ध करेंगे। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, युद्ध होगा और तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। तुम जिस शस्त्र से युद्ध करना चाहोगे उसी शस्त्र के साथ तुम्हारे साथ युद्ध किया जाएगा। अरे, इसे तो केवल बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है, और यदि इसने युद्ध किया तो गदा से नहीं करेगा, क्योंकि यह जानता है कि यदि इसने गदा चुन ली तो इसे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, और यदि इसने मुझसे युद्ध किया तो यह जानता है कि यह मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा। यह कार क्या मुझसे युद्ध करेगा भ्राताश्री? यदि इसमें अपनी जान की बाजी लगाने की हिम्मत होती तो इसकी जगह इसका कोई न कोई भाई जीवित होता। ये तो सदा ही अपने प्राणों की चिंता करता रहा, कभी किसी भाई की रक्षा करने के लिए आगे नहीं आया। अपने सामने इसने सबको मरवा दिया, ये क्या मुझसे युद्ध करेगा? भीम,
इसके सामने मैंने दुशासन का वध किया, परंतु बड़ा भाई होकर भी इसने दुशासन की रक्षा नहीं की। यदि कोई दूसरा भाई होता तो अपने भाइयों के वध का प्रतिशोध लेने के लिए मेरे साथ युद्ध करके मेरा वध करने की आकांक्षा करता, परंतु ये तो भगौड़ा निकला। ये क्या मुझसे युद्ध करेगा? ये तो केवल एक निर्बल नारी का भरी राज्यसभा में अपमान कर सकता है, परंतु मुझसे युद्ध नहीं कर सकता। ये शकुनी की आड़ में द्यूत खेल सकता है, परंतु युद्ध नहीं कर सकता। ये कायर है, नपुंसक है। बस भीम, बस। ये लांछन अब मैं सहन नहीं कर सकता। तुमने मेरी वीरता का अपमान किया है। हाँ, मैं युद्ध करूंगा, युद्ध करूंगा। भीम, मैं तुम्ही से युद्ध करूंगा, तुम्ही से। मैं पितामह, द्रोण, शल्य, कर्ण, मामा शकुनी, मेरे सभी पुत्रों और भाई, मित्रों, रिश्तेदारों और सभी योद्धाओं का प्रतिशोध तुम्ही से लूंगा भीम, तुम्ही से। बहुत बड़ी भूल की तुमने पुत्र, बहुत बड़ी भूल की। बड़े भैया, प्रतिशोध के आवेश में आकर होश मत गंवाइए। ये मत भूलिए कि दुर्योधन साधारण गदाधर नहीं है। आप दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। बलराम भैया ने आप दोनों को महान गदाधर बनाया है। आज इस बात का फैसला हो जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ गदाधर कौन है। आज मैं इस पांडव के जन्मजात बैरी को सदा मौत की नींद सुला दूंगा। आज मैं महाराज युधिष्ठिर को अंतिम विजय दिलाकर ही दम लूंगा। हाँ बड़े भैया, मैं जानता हूं आज आप अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेंगे और इस दुर्योधन की जांघों को तोड़कर इसका वध करेंगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। युद्ध देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ने साक्षात मृत्यु का रूप धारण कर लिया है। आज सूर्यास्त से पहले इस युद्ध का निर्णय नहीं हो पाएगा। नहीं पार्थ,
आज सूर्य भी इस युद्ध की समाप्ति से पहले अस्त नहीं होगा। आज दुर्योधन भी इसी संकल्प के साथ युद्ध कर रहा है, जीतेगा या अपने प्राण हार जाएगा। कदाचित ये मर चुका हो। दुर्योधन अब जीवित नहीं है। ये मर चुका है, दुर्योधन मर चुका है। दुर्योधन का वध हो गया, हम ये युद्ध जीत गए। हम विजयी हो गए, दुर्योधन का वध हो गया, हम विजयी हो गए। हे दसो दिशाओं, नक्षत्रों, यक्षों, देवताओं, आज मैंने इस महायुद्ध का अंतिम पर्व इस पापी दुर्योधन के रक्त से लिखकर समाप्त कर दिया है। आज से ये युद्ध समाप्त हो गया, पांडव विजयी हुए और ये पापी दुर्योधन सम्राट बनने के सपने देखते देखते सचमुच सो गया, हमेशा के लिए मृत्यु की नींद सो गया। भीम भैया, अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए और एक योद्धा की भांति व्यवहार करना सीखिए। कोई योद्धा किसी शव पर खड़े होकर यूं विजय उत्सव नहीं मनाता। हाँ, आपको अपनी जीत की खुशियां मनानी है तो हम कहीं और चलकर मनाते हैं। हाँ भीम भैया, हाँ।
क्या मेरा पुत्र जीवित है? जी महाराज, युवराज दुर्योधन जीवित हैं। परंतु पांडव तो? महारानी जी, जिस प्रकार युवराज दुर्योधन जल स्तंभन की विद्या जानते हैं, उसी प्रकार उन्हें लंबे समय तक सांस रोकने की विद्या का भी ज्ञान है। और दुर्योधन ने उसी विद्या का प्रयोग करके सांस रोककर पांडवों को भ्रमित कर दिया। युवराज, युवराज, आपकी ये दशा, काश हमने युवराज को अकेले ना छोड़ा होता। काश मैंने आपको युद्ध भूमि छोड़ने की सलाह ना दी होती। हमारे जीवन का परम उद्देश्य आपके प्राणों की सुरक्षा करना था, हमारे सम्राट की सुरक्षा करना था, परंतु हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सके। हमारे सामने हमारा सम्राट हिंसक पशुओं से घिरा धूल में पड़ा है और हम जीवित हैं। धिक्कार है हमारे जीवन पर, धिक्कार है हमारी वीरता पर, और धिक्कार है हमारी मित्रता पर। महाराज, हम अपनी इच्छा से जीवित नहीं हैं, बल्कि हमारे भाग्य ने हमें दंड देने के लिए जीवित रखा है, ताकि हम अपने ही हाथों से अपने पुत्रों को तिलांजलि दे सके। तुम ठीक कह रही हो गांधारी, संसार में माता पिता के लिए सबसे बड़ी सजा यही होती है कि उनके जीते जी उनके पुत्रों की मृत्यु हो, उनकी अर्थी उठे। मित्र, मैं कृपाचार्य कृतवर्मा के सामने तुम्हारे रक्त से सनी हुई इस मिट्टी को अपने हाथों में लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जिन पांडवों ने तुम्हारे रक्त को मिट्टी में मिलाया है, मैं उन पांडवों को मलिया मेट कर दूंगा। मैं आज रात ही इस अंधकार में पांडवों के शिविर में जाकर, जब वो सो रहे होंगे, मैं पांचों पांडवों को मृत्यु की नींद सुला दूंगा। मेरा विश्वास करो युवराज, मैं सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले उन पांचों पांडवों का वध करके ही लौटूंगा। हाँ युवराज, मुझे बस आज्ञा दीजिए। अवश्य अवश्य। तुम्हारी मृत्यु अश्वत्थामा। हे कायर धृष्टद्युम्न, तूने मेरे पिता की हत्या चेत अवस्था में की थी, परंतु मैं तुझे सचेत अवस्था में मारूंगा। तूने मेरे पिता को अधर्म से मारा था, आज मैं तुझे अधर्म से ही मारूंगा। अधर्म का उत्तर अधर्म से दूंगा। Thank you.
मामा श्री, मैंने पापी धृष्टद्युम्न की हत्या करके अपने पिता का प्रतिशोध ले लिया। अश्वत्थामा, तुम शिखंडी। It's 4 o'clock. महाराज, अश्वत्थामा के रूप में साक्षात महाकाल पांडवों के शिविर की ओर बढ़ रहा है। महाराज, अश्वत्थामा पांडवों की हत्या करने उनके शिविर में जा रहा है, परंतु वो जानता नहीं है कि वहां पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं। ये 5 भाई तो मानो घोड़े बेचकर सो रहे हैं, एकदम निश्चिंत। निश्चिंत तो होंगे ही, ये युद्ध तो जीत ही चुके हैं और अब राज भी इन्हीं का होगा। हाँ भाई, राज ये लोग करेंगे और हमें तो रातों को भी जागना पड़ेगा। ठहरो अश्वत्थामा, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलता हूँ। नहीं, लेकिन वो 5 हैं और तुम अकेले। मेरी प्रतिज्ञा के आड़े कोई नहीं आएगा। मैंने उन 5 को अपने हाथों से मारने की शपथ ली है और मैं ही उन 5 को मारूंगा। तुम दोनों बाहर पहरा दो। मामाश्री, मैंने समस्त पांडवों का वध कर डाला है। मेरी प्रतिज्ञा अब पूरी हो गई है। मेरे प्रतिशोध का अध्याय भी समाप्त हो गया है। चलिए मामाश्री, युवराज दुर्योधन को अपनी विजय का यह शुभ समाचार सुनाते हैं। चलिए। महाराज, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या करके कैसा महापाप किया है। द्रोणाचार्य जैसे धर्मवीर का पुत्र होकर भी अश्वत्थामा ने कैसा अधर्म किया है। महाराज, आगे।
युवराज मैं जीत गया। युवराज, मैंने पांचों पांडवों का वध कर डाला। युवराज, ये देखो, मैंने पांडवों के रक्त से अपनी ये तलवार रंग ली है। देखो, मैंने पांचों पांडवों के रक्त से अपने ये हाथ धोए हैं। देखो युवराज, ये रक्त मैंने अपने पिता श्री के हत्यारे धृष्टद्युम्न को भी मार डाला। मैंने शिखंडी को भी परलोक पहुंचा दिया। मित्र अश्वत्थामा। हाँ मित्र, हाँ। तुमने मुझे ये समाचार सुनाकर धन्य कर दिया। तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? हाँ मित्र, हाँ। मुझे उन पांचों पांडवों की मृत्यु का समाचार फिर से सुनाओ अश्वत्थामा। हाँ, फिर से सुनाओ। मित्र, मैंने पांचों पांडवों के शिविर में घुसकर उनको सोते में ही एक एक करके मार डाला। दुशासन, मैं विजयी होकर आ रहा हूं। एक विजेता की भांति मेरा स्वागत करना। एक विजेता की भांति विजेता दुर्योधन आ रहा है। मित्र, युवराज, सुन पांडव वध का विजय गर्व में भूला बदले की संतुष्टि में पगला मृत्यु का दारुण दुख भी भूला। तिल भर भूमि न देने वाला सारी अभिलाषी था धूल की चादर ओढ़ चला। तिल भर भूमि न देने वाला सारी भूमि को छोड़ चला। मांगे हाथ पसारे गगन
अभिलाषी था धूल की चादर ओढ़ चला इल भर भूमि न देने वाला सारी भूमि को छोड़ चला। हे अश्वत्थामा, तुम स्वयं अपना तिरस्कार करोगे इस जीवन से जिसे आज तुम बहुत प्रेम करते हो, तुम्हें उसी से घृणा होने लगेगी। नहीं। तुम मृत्यु के लिए भीख मांगोगे परंतु तुम्हें मृत्यु आएगी नहीं। नहीं। हाँ, परंतु तुम्हें मृत्यु आएगी नहीं। नहीं मधुसूदन, नहीं, ऐसा ना कहो। मुझे इतना भयंकर दंड मत दो मधुसूदन, इतना भयंकर दंड मत दो। अश्वत्थामा, ये दंड तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। प्रारब्ध ने तुम्हारे कर्मों का यही फल निश्चित किया है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जाइए भीम भैया और अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि निकाल लीजिए। अब उस पर अश्वत्थामा का कोई अधिकार नहीं रह गया है। मैंने पापी अश्वत्थामा के माथे से ये दिव्य मणि निकाल ली। वाह भीमसेन, वाह। समय हाथ में पकड़ी रेत की तरह निकल रहा था। एक दिन जिस वन में धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तपस्या कर रहे थे, उस वन को अचानक आग लग गई। तब तीनों ने मृत्यु का स्वागत करने की सिद्धता कर ली थी। तीनों समाधि लगाकर बैठ गए थे और मृत्यु ने अग्नि का रूप लेकर उन पर आक्रमण किया। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम।